भारतीय सैन्य दलात दाखल होऊन देशसेवेची संधी मिळावी यासाठी दरवर्षी लाखो विद्यार्थी शर्थीचे प्रयत्न करत असतात, मात्र ही संधी फार थोड्या लोकांच्या नशिबी येत असते। भारतीय सैन्य म्हणजे पराक्रम, साहस आणि त्यागाचे सर्वोच्च प्रतीक आहे। स्वतःला देशसेवेसाठी समर्पण करत मातृभूमीचे रक्षण करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागपुरातील आदेश कुराणी या तरुणाने प्रबळ इच्छाशक्ती, मेहनत आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या जोरावर भारतीय नौदलात सब लेफ्टनंट म्हणून आपले स्थान सुनिश्चित केले आहे। विशेष म्हणजे आदेश हा श्री दशसरोटिया वाणिक गुजराती समाजातून तो या पदावर जाणारा पहिला तरुण ठरला आहे। तसेच इंडियन नेव्हल अकॅडमीच्या 2022-23 या सत्रातील तो नागपुरातील एकमेव कॅडेट ठरला आहे। त्याच्या या संघर्षमय प्रवासाबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया या व्हिडिओच्या माध्यमातून। नमस्ते, मेरा नाम आदेश कुराणी है। मेरी स्कूलिंग भवंस बीबी विद्या मंदिर राष्ट्रीय से हुई है। 12th के बाद मैंने MBA दी थी, जो अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुई थी। बट देन इंजीनियरिंग मेरी श्री रामदेवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट से हुई। वहाँ पे मेरे को एक दोस्त मिली, उसका भी सेम एम था, तो हम दोनों के एम मिलते थे, तो हमारी दोस्ती भी अच्छी हो गई। और देन हम दोनों उसके लिए साथ में प्रिपेयर करते थे, तो इंजीनियरिंग के साथ साथ हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। हम एक कैंप गए थे जहाँ पर हमको सिखाया गया था। उसके बाद से मैं मतलब इंजीनियरिंग का भी पढ़ता था, और साथ ही साथ जब भी वक्त मिल जाता मैं SSB के लिए प्रिपेयर करता था। इंजीनियरिंग करते करते मेरी जॉब लग गई और फिर मेरे SSB अटेम्प्ट आए, तो मैं जॉब और ये साथ में हैंडल करता था। और जब मैं SSB गया तो मैं 4 SSB दे चुका हूँ, जिसमें से मैं 2 में रिकमेंडेड हूँ, एक नेवी का है और आर्मी का है। तो पहले SSB में मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया था, जिसके बाद मैं काफ़ी सोच में पड़ गया था कि मैंने गलत क्या किया है वगैरह। तो मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया और मेरे को मेरी गलतियाँ पता चली। तो जब अगला SSB था उसके लिए मैंने और जम के प्रिपरेशन किया, जिसमें मेरे को लगा था कि मेरा इंटरव्यू सही नहीं गया था पहले में, तो मैं इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया। मैंने मेरे फैक्ट्स और नॉलेज ज़्यादा अच्छे से बढ़ाए और फिर मैं नेवी के लिए फाइनली रिकमेंड हो चुका था। तो मेरी ट्रेनिंग नेवी में हुई है इंडियन नेवल अकेडमी एलिमला से, जो केरला में स्थित है कन्नूर के पास। वहाँ पर मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग हुई है और वहाँ पे मेरी पूरी ट्रेनिंग हुई है। और 27 मई को मेरी पासिंग आउट परेड हुई है। और नागपुर में ईयर 2022-23 में आई एम द ओनली वन हैड गॉन फ्रॉम नागपुर टू अकेडमी फॉर ट्रेनिंग। मैं दशा सोरठिया वाणिक समाज से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो हमारा इस समाज में पूरे इंडिया से मैं एक अकेला गुजराती कैंडिडेट हूँ जो इस सब लेफ्टिनेंट की पोजिशन तक पहुँचा हूँ और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है। ऑल्सो हमको ट्रेनिंग में ऐसा सिखाया गया है, जो मैं मानता भी हूँ, कि मेरे लिए सबसे पहले आता है मेरा देश, फिर आते हैं मेरे भाई लोग, और फिर अगर कुछ बच जाता है तो वो मैं अपने परिवार के लिए प्रतीक करूँगा, और इसके बाद भी अगर मेरे में जो भी बचेगा फिर आता हूँ मैं अपने लिए, बट देश सर्वोत्तम। हाँ, बेसिकली हम गुजराती लोग हैं, तो हम लोगों का बिजनेस का ज़्यादा डाइवर्टेड रहते हैं। अपना भी खुद का इलेक्ट्रिकल का बिजनेस है। उसमें आदेश को इनिशियली हम लोगों ने ट्राई किया कि अपने बिजनेस ज्वाइन करें, बट उसका मोटिव एक देश को सर्व करने का था। उसने बोला कि हमारे को इसमें इंडियन नेवी में जाना है या डिफेंस सर्विस में जाना है। तो उसके लिए पहले थोड़ा तो हमारे को थोड़ा ऑड लगा कि भाई अपन बिजनेस वाले हैं, वहाँ पर कैसे कर पाएंगे। बट उसने अपना इंटरेस्ट बहुत दिखाया और बोले, मैं पापा मैं अश्योर करता हूँ कि मैं करके दिखाऊंगा। और आज जो स्टेज पर वो पहुँचा है, यानी हम गुजराती फैमिली के लिए बहुत ही एक प्राउड की बात है कि एक एक हमारे इस कम्युनिटी से एक ही लड़का है जो ये स्टेज तक पहुंचा है, जो आज तक हमारे उसमें किसी ने नहीं किया है। कुटुंबातील वंश परंपरागत चालत आलेला व्यवसाय न करता त्याने आपले करिअर देशसेवेसाठी निवडले आणि त्यात आज यश संपादन केले आहे। हा आमच्यासाठी आज सर्वात अभिमानाचा आणि आनंदाचा क्षण असल्याची भावना आदेशच्या कुटुंबियांनी व्यक्त केली आहे। विशाल देवकर, न्यूज 18 लोकमत, नागपूर।